तो वैसे तो हमको पता ही है कि हमारा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा होता है और उसको एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट आज की वीडियो में मेरे पास सिर्फ एक ब्लॉक है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं इस एक ही ब्लॉक पे स्पॉन हुआ हूँ और मेरे को इसी से इन्फाइनाइट ब्लॉक्स मिलेंगे। और आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि है माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। ये वैसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने जब ये रिकॉर्ड किया था भाई साहब, मेरे को खेलते हुए काफी ज्यादा मजे आए थे और ये शायद मेरा अभी तक का माइनक्राफ्ट का सबसे बढ़िया सफर रहा होगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं, ब्लॉक्स कलेक्ट करते हैं। पहले तो शुरू में मेरे को डर्ट ही मिली थी मैंने जब जितनी देर माइनिंग की थी, फिर मेरे को थोड़ा सा वुड भी मिला था, उसके बाद एक चेस्ट जिसके अंदर से मेरे को मिली सैपलिंग और वीट सीड, और वीट सीड काफी ज्यादा काम की है। वैसे वन ब्लॉक के अंदर सारे ही ब्लॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने काफी देर तक माइनिंग की बट मेरे को यही वुड और डर्ट मिला, और फिर एकदम से एक पिग आया जो कि मर गया क्योंकि मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड नहीं कर रखा था। सॉरी फॉर दैट पिगी। तुमको एक काम करना है, कमेंट में लिख दो RIP पिगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्लेटफॉर्म को ना स्लैब से एक्सटेंड करता हूँ, काफी ज्यादा फायदे में रहूंगा क्योंकि बच भी जाएगा थोड़ा वुड और ज़ॉम्बी वगैरह भी ज्यादा स्पॉन नहीं होंगे। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। अगर कोई स्पॉन हुआ तो कम से कम मरेगा तो नहीं। एक और चेस्ट मिली, इसके अंदर क्या है? सेब। मतलब ठीक है, मतलब अब क्या ही बोलूं, डर्ट ही मिले जा रही है मेरे को और थोड़ा सा वुड मिला। मैं सोच रहा हूँ पहले अपने लिए थोड़े से टूल्स वगैरह बना लेता हूँ, एक पिकैक्स बना लेता हूँ, वैसे अभी तो काम नहीं आएगी बट आगे ज़रूर आएगी। एक एक्स भी बना लेता हूँ। अरे स्वॉर्ड नहीं, मेरे को शवल बनानी है। मैं यार इतना भी नहीं आता मेरे को। अब थोड़ी फटाफट माइनिंग होगी। ओके चेस्ट मिली एक और, वाटर बकेट। अब मैं ना पहले नीचे जाके एक ब्लॉक लगाता हूँ ग्रेविटी ब्लॉक्स के लिए, ताकि वो नीचे ना गिरे। मतलब जैसे ग्रेवल और सैंड होती है, वो सीधा नीचे चली जाएगी अगर मैंने ब्लॉक नहीं लगाया तो। डर्ट ही लगा देता हूँ। ओके यहीं पे लगा देता हूँ, शायद यही है अपना मेन ब्लॉक, ऐसे लग तो यही रहा है। बट प्लेटफॉर्म को ना थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा भी फार्म बना देता हूँ ताकि फूड की कमी ना हो मेरे को आगे जाके। यहाँ बीच में मेरे पास वाटर बकेट तो है ही, थोड़ा पानी डाल दूंगा। और हो भी बनाई है तो थोड़े गड्ढे वगैरह भी कर दिए मैंने, मतलब हो भी यूज़ कर ली। ओके लगा दिया, अचीवमेंट भी मिली है मेरे को तो, मतलब एडवांसमेंट। एक और चेस्ट, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर थोड़ा सा वुड है और टॉर्च भी है। चलो ठीक है, हमारा पहला फेज शुरू हो रहा है शायद, और मेरे ख्याल से हमारा पहला फेज होता है प्लेन्स वाला। लग तो वही रहा है क्योंकि ये ग्रास ब्लॉक वगैरह वहीं पे होते हैं। अरे वाटरमेलन भी मिला है मेरे को, काफी सही। बर्च वुड भी मिल रहा है। ओके एक और पिगी मिल गया। तेरा भाई आया था वो तो मर चुका, मतलब मेरी गलती की वजह से, बट तेरे को नहीं मरने देंगे। सेव पिगी। पंपकिन भी मिल रहा है। प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं अब। यहाँ पे ना मैं अपनी सैपलिंग्स वगैरह वो लगा लेता हूँ ताकि वुड की कमी भी ना हो मेरे को। वहां पे फूड की कमी नहीं हो रही, यहाँ पे वुड की कमी नहीं हो रही। ओके लगा दी दोनों सैपलिंग्स। पिगी थोड़ा पीछे, मतलब मैं नहीं चाहता कि तू मर जाए। ओके काओ भी आ गई एक, काफी बढ़िया। प्लेटफॉर्म थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि अभी जानवरों की लाइन लगने वाली है जितना मुझे लग रहा है। अब मेरे पास सैपलिंग पड़ी है तो वो भी डाल ही देता हूँ। ओके शीप भी आ गई। यार मेरा मन तो बहुत कर रहा है इसको मारने का, बट मैं मारूंगा नहीं क्योंकि अभी अगर एक और नहीं आई तो काम हो जाना, फिर तो बेड कभी नहीं बनेगा मेरा। जल्दी से ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनके लिए जगह भी बनानी है मेरे को। ओके चिकन लेग पीस भी आ गए, इनका नाम सोच लिया मैंने, एक का होगा चिकन एक का होगा लेग पीस। ओके एक और पिग आ गया,
चलो 2 सुअर हो गए मेरे पास, अब तुम्हारे लिए मेरे को प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये काफी ज्यादा हो रहे और इतनी जगह है नहीं। चलो तुम तब तक सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, मैं तब तक ये पूरा करता हूँ। हाँ बस इतना ही था, अब मैं यहाँ पे थोड़ी फेंसिंग भी कर देता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। अभी मेरे पास इतना फेंस है तो नहीं, पर जितना है मैंने कर दिया। ओके और एप्पल मिल रहे हैं मेरे को, खाने की कमी तो नहीं हो रही, बट क्या पता आगे हो जाए। एक और पिगी, अरे करूँगा क्या मैं इतने पिगी का, 2 काफ़ी होते हैं, मतलब 2 से बाकी ब्रीड हो सकती है। यार शीप पीछे रहा है। ओके चेस्ट है, वो कैरेट और वीट सीड, मैं इनको वहां पे लेके जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है पिग तो कैरेट खाता है और ये वीट सीड के लिए चिकन और लेग पीस है ही अपने पास। तीनों आ जाओ भाई, बस अब यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। चिकन और लेग पीस दोनों आ जाओ, तुम भी तेज आओ तेज, इतना टाइम नहीं है। ओके डन इतना तो। ओके अपने एनिमल के फार्म के लिए फेंसिंग तो पूरी हो गई, बट अभी थोड़े फेंस की कमी है तो मैंने डर्ट लगा दी और ये सामने पेड़ भी उग गया। अब मैंने ना अपने इस स्काई ब्लॉक में थोड़ा एक नया सा मोड लगाया जिसमें ना ये थोड़ा असली लाइफ की तरह पेड़ काम करेगा, कि एक बीच की डंडी तोड़ो वो पूरा पेड़ टूट जाएगा ऐसा कुछ, जैसा कि तुमने अभी देखा, मतलब शायद मेरे बोलने से समझ ना आया हो बट देख तो लिया तुमने। एक और सैपलिंग है वो भी लगा दी, अब तुम यहाँ से कृपया थोड़ा पीछे हो जाओ। ओके यहाँ पे इतनी जगह है, यहाँ पे भी एक सैपलिंग लगा ही देता हूँ। अरे शीप तू यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा हो सकता है तेरे को ज़्यादा धूप लग रही हो तो तू धूप सेकने आई है, बट ये ज़्यादा देर तक होगा नहीं क्योंकि मैं पेड़ ही लेने आया हूँ यहाँ पे। वैसे तू बीच में अड़ी हुई है तो मेरे को साइड में थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करके ही लेना पड़ेगा पेड़, नहीं तो तू गिर जाएगी या फिर मैं गिर जाऊँगा और मैं नहीं चाहता किसी की भी जान जाए। हाँ तू मेरे को इतने प्यार से मत देख। चलो वुड ले लेता हूँ, वुड का काम तो हो गया। ओके मेरे पास वीट सीड है, चारों चिकन्स इधर आ जाओ। अभी मेरे को वीट भी मिला है तो मैं इन काउज और बकरियों वगैरह को सबको यहाँ पे बुला लूंगा। सारे आ जाओ भाई जल्दी आओ। ओके हो गया, अब तुम यहाँ पे बंद हो, अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकलने वाले। चेस्ट मिली, इसके अंदर क्या है? ग्रास ब्लॉक फाइनली। अरे लेवल अप हो रहा है मेरा, मतलब नया फेज शुरू हो रहा है। पहले मैं यहाँ पे ना ग्रास ब्लॉक लगाता हूँ, सारी जगह पे डर्ट ही डर्ट है, ग्रास है ही नहीं। एक ग्रास ब्लॉक लगाऊंगा सब कुछ ग्रास ग्रास हो जाएगा। ओके यहाँ पे फेंस लगा देता हूँ अब मैं। और फाइनली फेंसिंग भी हो गई, डन। अब तुम यहाँ पे बंद हो, देखी जाएगी अब तुमको मैं कब खोलूंगा। अब मुझे एक ट्री फार्म बनाना है फटाफट से। वैसे मैं यहाँ पे प्लैंक्स क्यों लगा रहा हूँ, मेरे पास स्लैब्स भी तो हैं। एंजॉय सिनेमैटिक्स। ओके फाइनली हमारा छोटा सा वुड फार्म तैयार हो चुका है और अब मेरे को स्टोन भी मिल रहा है और कोल भी मिल रहा है, यही लेना पड़ेगा अब तो। पता नहीं आयरन कब मिलेगा मेरे को, मेरे सामने आयरन है, मेरे को स्टोन के टूल्स बनाने पड़ेंगे पहले। ओके एक्स बन गई, पिकैक्स भी बन गई, एक फर्नेस बना लेता हूँ पहले, बन गई। अब आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रखना है मेरे को, यहाँ पर ठीक है।
आयरन का है मेरा, कोल ये रहा, आयरन ये रहा, हो गया। तुम सब कैसे हो यहाँ पे? यार अब मेरे सबसे पहला काम है, मेरे को ना अपने लिए वो चाहिए, एक बेड। यार शीप बीच में तो मत अड़ो कम से कम। ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मतलब मेरी गलती वैसे तो, बट कोई बात नहीं। ओके, दो आयरन तैयार है, अब शीयर्स बना लेता हूँ मैं। बन गई। वीडियो पॉज। देखो यार तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से कर लो। एंड यार मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ये रहा, मेरा इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाओ। और यार वहाँ पे मतलब कुछ फनी फनी मीम्स वगैरह डालूंगा मैं, वो भी चेकआउट करना। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, अब मेरे को सोना है, मुझे नहीं पता। भूल दो मेरे को जल्दी। बेड तैयार, चलो गुड नाइट। फाइनली सब कुछ तैयार हो चुका है, अब मेरे को अपने लिए एक स्टोरेज रूम बनाना है। बट उससे पहले थोड़े और छोटे मोटे काम है, वो कर लेता हूँ। पहले ना अपने इस फार्म को भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, वैसे काफ़ी स्लो है ये फार्म, या फिर मेरे को ही लग रहा है। ये क्या है? ये वो नई का हो है ना कोई, मशरूम का, मशरूम का ऐसा कुछ था ना ये। यार इसे खाना वगैरह भी मिलता है, मैंने देखा है, बट मेरे को याद नहीं कैसे मिलता है। तू वीट नहीं खाती क्या? आ जा ना, अब आ रही है। इसे दिखने में भी कितनी डरावनी सी है। मेरे को ना इसके बारे में एक ट्रिक भी पता है कि अगर मैं इसको शेयर करूंगा तो ये नॉर्मल काओ बन जाएगी, बट मैं करने नहीं वाला इसको शेयर। चलो थोड़ी देर और माइनिंग करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ बढ़िया मिल जाए तो। एक और चेस्ट मिली मेरे को, इसके अंदर स्प्रूस वाली सैपलिंग मिल गई मेरे को, काफी बढ़िया। अभी इसको भी प्लांट करना पड़ेगा मेरे को, फिर अपने पास स्प्रूस वुड भी होगा। ज़ॉम्बी, अरे हमारे वर्ल्ड का पहला ज़ॉम्बी। और मेरे को ये बात बता, तू धूप में जल क्यों नहीं रहा? ओके पहले यहाँ पे मैं स्प्रूस का जुगाड़ कर देता हूँ, अब यहाँ ठीक रहेगा मे बी। स्प्रूस नीचे आओ, ये लगा वर्ल्ड का पहला स्प्रूस। और ये लगा दूसरा। एक और ज़ॉम्बी। यार तुम मेरे को लेदर कैप देते क्यों नहीं वैसे? ओके मर गया, कुछ दिया इसने तो। अच्छा आगे पड़ा है, क्या दिया है? वो लेदर कैप ही दिया है, सही है, बट इतनी कम हेल्थ है तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। वो रैबिट, देखो अब मैंने कई जगह देखा है कि तुम सुसाइड कर लेते हो, यहाँ पे नहीं चलेगा वो सब, ठीक है? वो तो पहला तो कर गया। और ज़ॉम्बी, अरे दो आए इस बार तो, एक से काम नहीं बना तो दो, सालो दोनों पिटोगे। ओके दोनों मर गए। अब अपने लिए एक स्टोरेज वाला रूम बना देता हूँ मैं, जहाँ पे मैं सारी चेस्ट वगैरह रखने वाला हूँ। ओके अपना स्टोरेज रूम तो तैयार है, अभी इधर चेस्ट वगैरह लगानी है, एंड डन। यार ये वाली लग क्यों नहीं रही? हो गया, सारा सामान रख देता हूँ अपना यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट वाला है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, तब कॉबल नहीं था इसलिए नहीं किया, अब मिल गया तो कर लिया। यहाँ पे क्ले वगैरह लगा देता हूँ और साइड में स्लैब्स लगा देता हूँ, पीछे की साइड पूरा स्लैब से कवर कर दूंगा मैं इसको। ओके डन, अब यहाँ पे फेंसिंग कर देता हूँ मैं। ओके फेंसिंग भी डन, अब सो रहा हूँ मैं, गुड नाइट। ओके सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे आज हमने काफ़ी सारी प्रोग्रेस की, जैसे कि अपना एक स्टोरेज फार्म बना दिया अपने लिए, एक वुड फार्म बना दिया, और अपने एनिमल्स के लिए भी एक फार्म बना दिया। अगली वीडियो में मैं और भी कुछ बढ़िया इंटेंस करने वाला हूँ, तुमको पता नहीं, वैसे पता तो मेरे को भी नहीं, बट कुछ बढ़िया ही करूँगा। ओके तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।